भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धनीराम वारसी जी, विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री स्वयं मुकाजी, माननीय विधायक देवघर श्री नारायण दास जी, जिला प्रभारी श्रीमती ओजस्वी मांडवी जी, विधानसभा प्रभारी श्री सुधीर पांडे जी, प्रशांत कुमार मंडल जी, अरुण सिंह भदौरिया जी, होकाराम मरकाम जी, नूपुर वैदिक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, इस चुनावी सभा में उपस्थित सुकमा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कभी प्रभु श्री राम के दंडकारण्य के वनवास के दौरान के सबसे अभिष्ट और अभिन्न सहयोगियों की वर्तमान पीढ़ी के साथ आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संबंध में संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बस्तर, सुकमा, कोटा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस धरा को नमन करता हूं। वैसे भी छत्तीसगढ़ जन को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्व रखता है। महत्व इस बात के लिए रखता है, प्रभु श्री राम की जो मां थी माता कौशल्या, वह छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी, यानी भगवान राम का ननियाल है छत्तीसगढ़। और इसीलिए भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहां रहना है, तो उस दौरान उन्होंने किसी एक धरती को चुना था, तो चित्रकूट से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के और इस पूरे बस्तर और दंडकारण्य की इस पूरी भूमि को ही उन्होंने अपने वनवास काल के दौरान की सबसे उपयुक्त भूमि समझा था। भाइयों बहनों, हजारों वर्षों की विरासत आपके साथ में है और प्रभु की ही कृपा है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र एक और आपके संघर्ष की गाथा को, आपके पूर्वजों के संघर्ष की गाथा को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों की निगाहें इस प्राकृतिक धनी प्राकृतिक संपदा पर है, वे यहां पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहां असुरक्षा का वातावरण पैदा करके यहां के नौजवानों और यहां के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में
वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही हैं। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था, और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्म भूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे। तो उस समय उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ वासियों को होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल जो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। मकान सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध करवाया। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं। और कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और घोषणा की है, अगले 5 वर्ष तक, यानी पिछले 3.5 वर्ष से तो चली आ रही थी, अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भैया बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे, कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते, यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर। आज राम मंदिर बन रहा है ना। भाइयों बहनों, हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है,
जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है, और इसी विश्वास के साथ वे देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी दी थी। हमने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ परिवारों को, यानी 150 लाख परिवारों को हर घर नल से जल पहुंचा दिया। क्या छत्तीसगढ़ में मिला? क्या नहीं मिला होगा? छत्तीसगढ़ में नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। यहां सरकार विकास नहीं कराना चाहती है। वह तो पैसा जो दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप उस पैसे को चुपचाप अपने आकाओं को भेज देती है। वो गरीब को नहीं पहुंचती है, कमजोर को नहीं पहुंचती है। वह पैसा तो उस चंद कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है, उनके परिवार के लोग बंदर बांट कर देते हैं। वे पैसे का लाभ आपको नहीं देते। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास आपके यहां के लिए भेजे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या छत्तीसगढ़ वासियों को? क्या आवास का लाभ मिला? नहीं मिला। हम आएंगे, हम देंगे। हम योजना का लाभ देंगे। ये 16 लाख आवास का पैसा इसलिए मोदी जी ने भेजा था, यह पैसा यहां के गरीबों के पास जाएगा, उनका भी मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा, सिर ढकने के लिए किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात में, वे लोग भी प्राकृतिक आपदा से बच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वह भी लाभ नहीं दिया। भाइयों बहनों, पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहां की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेघर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप ला मिलिस का? एक तो प्रश्न कर रहा है यहां का गरीब, हमन ला न तो न मिलिस, आपका मिलिस का? भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है। एक गरीब का, उसकी बेबसी का, सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है, ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कल ही आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग लिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये, और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी दो कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है, गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक? यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है।
और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अब तो यहां छत्तीसगढ़ में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, हर ओर से एक ही आवाज आ रही है। मैं कल भी छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया, एक ही आवाज हर एक जगह से, क्योंकि ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे ही होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोग नहीं, आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं उसमें, 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, संघ भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनमें पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। यहां की सरकार 16 लाख गरीबों को मकान नहीं दे पाई, मोदी जी के द्वारा भेजे गए हम लोगों ने 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया, 55 लाख गरीबों को इसी चीज। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, अपने आप ही नीयत का सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया, एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। यहां की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है, उन्हें प्रश्रय देती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ये सरकार नहीं, ये तो समस्या है। कांग्रेस अपने आप में एक समस्या बन चुकी है, और इस समस्या से जितनी जल्दी आप मुक्ति करा सकेंगे भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण की और आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ को बनाया था। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए थे, लेकिन मात्र 5 वर्ष में ही कांग्रेस ने सारे के सारे सपने धूल धूसरित कर दिए, और इसीलिए आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए। भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए आपसे कहने के लिए हैं, ये जितनी भी घोटाले इस सरकार ने किए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, क्या इस सरकार ने जांच कराया? क्या ये कराएगी भी नहीं? आने दीजिए बीजेपी को, हम लोग जांच करवाएंगे। जनता की गाड़ी कमाई पर, जनता के हक पर डकैती डालने वालों के लिए सजा, आपने देखा होगा यूपी में गुंडों को कैसे सजा होती है, देखते हैं ना, देखते हैं ना, कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जो गरीब के हक पर डकैती डालेगा उसकी सजा तो वही होनी चाहिए। जनता तो जनार्दन है लोकतंत्र में,
और जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, हर हाल में सम्मान, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको विकास की योजनाओं से जोड़ना चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन जो सरकार इन्हें कर पाई हो और न कर पा सकती हो उसको बदल देना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने आपके सपनों को धूल दूषित किया है, इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, अब हम सबको अब इस बेबसी से उभरना पड़ेगा, इस बेबसी से कि हमन न तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का इससे उभरना पड़ेगा। उसने नहीं दिया, उसने हमारे हक पे टाका डाला है, तो हम भी उसको वोट के लिए ठेका दिखाने का काम करेंगे। बाप के लिए योजनाओं किसे तरसाई है कांग्रेस, आप उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। उसने पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए आपको तरसाया है, आप उसको वोट के लिए तरसाइए। और इसीलिए हमारा संकल्प एक ही होना चाहिए, अब न सही वो बदल के, अब न सही वो। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में कोटा विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत सुयोग्य कार्यकर्ता को आपका प्रत्याशी बनाकर उतारा है। भाइयों बहनों, स्वयं मौका बोला भाला, अनुसूचित जनजाति का एक समर्पित कार्यकर्ता, पूरा जीवन समर्पित करके इस विचारधारा के लिए, आपके हकों के लिए कार्य करते हुए, कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ लड़ते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे हैं, जिन सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए तमाम योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां पर हुई है। और इसलिए हम आज आपसे कहने के लिए आए हैं, छत्तीसगढ़ को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो संवारी की भी भारतीय जनता पार्टी, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और यही कहते हुए कि तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है, तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। और भाइयों बहनों, अब न सही वो, अब न सही वो, यही कहते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आज चुनाव प्रचार सायंकाल बंद हो जाएगा, 7 नवंबर को आपको मतदान करना है। कमल चुनाव चिन्ह, क्या चुनाव चिन्ह? कमल। क्या है चुनाव चिन्ह? कमल। याद है ना सबको, हमारे प्रत्याशी स्वयं मुका का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। अभी से एक एक वोट को डलवाने की जिम्मेदारी आप सब लेंगे। अगर 10,000 की भीड़ अभी से संकल्प कर ले और अपने साथ 10-10 वोटों को और पोल कराने की जिम्मेदारी ले ले, भाइयों बहनों, कांग्रेस और जो अन्य लोग यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। और फिर स्वयं का जब विधायक बनेंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे, तो यहां के राम भक्तों को हजारों वर्षों की विरासत के साथ जोड़ने के लिए स्वयं अयोध्या धाम बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं कमल चुनाव चिन्ह के साथ में? सभी लोग स्वयं मुका को अपना समर्थन देंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।
रात माता की। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए और आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री